व्हाट इज अ रिलेशन? देखो रिलेशन क्या चीज है, मान लो एक सेट है आपका 1, 2 और दूसरा सेट है आपका बी विच इज ए कॉमा बी। आपने ए और बी का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1, a, 1, b, 2, a और 2, b, मतलब ए के एलिमेंट्स को बी से आपने पेयर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक आर रिलेशन बना लिया ए से बी के अंदर। इसमें ए को क्या बोला जाता है, ए को ए के एलिमेंट्स को बोला जाता है डोमेन और बी के एलिमेंट्स को बोला जाता है कोडोमेन। तो एक रिलेशन हमेशा डोमेन से कोडोमेन के बीच में बनाया जाता है, दो सेट्स को यूज करके बनाया जाता है, सेट्स के आपस में ग्रुपिंग करने से रिलेशन बनता है। अब रिलेशन में एक बहुत बड़ा एक रूल है, क्या चीज, कि आपको सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करना जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट की भी ग्रुपिंग कर दूंगा तो वो भी एक रिलेशन माना जाएगा। मैंने 1 को जाके ए से पेयर कर दिया, 1 उधर है ए इधर है, मैंने पेयर कर दिया, ये भी एक रिलेशन है। बाकी मैंने सबको खाली छोड़ दिया, मतलब इसके डायग्राम में इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, 1 जाके ए से जुड़ गया, बाकी और कोई किसी से पेयर नहीं कर रहा, तो ये भी एक रिलेशन है और ये भी एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, सेट्स की आपस में क्या कर देना, ग्रुपिंग कर देना, यानी कि सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना। क्या कर देना भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में कर देना, और कितने सेट्स का करोगे, 2 सेट्स का। इसका मतलब होता है रिलेशन बनाना, 2 सेट्स को आपस में रिलेट करना। पहले सेट के एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, ये होता है रिलेशन।